लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पूर्व सांसद मिनीमाता की 49वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मिनीमाता स्मृति दिवस समारोह का आयोजन किया गया। न्यू राजेंद्र नगर रायपुर के गुरु घासीदास सांस्कृतिक भवन आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं एवं प्रतिभावान बच्चों तथा सतनामी समाज के कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। इस मौके पर पत्रकारिता के क्षेत्र में साधन न्यूज के कैमरा पर्सन को भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा कई और पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सरल और सहज व्यक्तित्व की धनी मिनीमाता ने मानवता और समाज सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। असम में जन्मी मिनीमाता विवाह के बाद छत्तीसगढ़ के जन जीवन में रच बस गई। उनकी सक्रियता से संसद में सामाजिक उत्थान संबंधी कई कानून बने। बत दे कि मिनीमाता छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी। समाज का पिछड़ापन दूर करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार उनके सम्मान में हर वर्ष महिलाओं के विकास के क्षेत्र में काम करने वालों को मिनीमाता सम्मान देती है। आज मिनीमाता जी की 49वीं पुण्यतिथि है और पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी प्रतिवर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाले महिलाओं बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, उसी तरह इस वर्ष भी किए हैं। करीब लगभग 125 लोगों को यहाँ पर सम्मान किया जाना है। इससे मिनीमाता जी का नाम अमर हो रहा है। हम चाहते हैं कि मिनीमाता जी का नाम यानी पूरा विश्व में अमर हो और उनकी गुणगान गाए। हम लोग इसी मिनीमाता जी के जो अधूरे कार्य है उसको पूरा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी ये प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग मना रहे हैं। मैं माता जी को नमन करता हूँ, एवं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। आज मिनीमाता जी का पुण्यतिथि है। हम लोग बस स्टैंड रायपुर पंडरी में श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और राजेंद्र नगर में एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें सभी लोग मिनीमाता के जो बताया मार्ग है उस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और मिनीमाता जी हमेशा से बहुत ही गरीब तबके के लोगों को और सभी लोगों को वो साथ लेके चलने वाली सांसद रही है। असम में पैदा हुई है और वो एक छुआछूत को मिटाने लोकसभा में एक बिल लाई थी जिसको सर्वसम्मति से पारित हुआ था। उसी के बाद मिनीमाता जी जो है ममता मई माँ के रूप में जानी जाती है। उनके दरबार में जाने से, दिल्ली के जो बंगले में जाने से सभी लोग रायपुर के लोग जाते रहे हैं और जिस प्रकार उन्होंने सेवा भाव से कई गरीबों की और लोगों की सेवा की है और ख़ासतौर से अनुसूचित जाति वर्ग की जो लोगों के लिए जो उत्थान के काम किए हैं वो बिल्कुल सराहनीय है। और हम आज उसी को उद्देश्य को लेकर ये सब उनके पुण्यतिथि में उसको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं सतनामी समाज के लोग और हम सब लोग जो है उसको हम लोग उसके बताए मार्ग में चलकर आगे समाज को उत्थान के लिए काम कर रहे हैं।